इससे पिछले वीडियो में आपने क्या था, जब सिक्के को उछालते हैं तो एक बार उछालते हैं या दो बार उछालते हैं। अब हम करेंगे जब सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। एक बार सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास दो ही आउटकम आते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। जब दो सिक्के उछालते हैं तो पहले से भी दो और दूसरे से भी दो, तो कुल बनेंगे हमारे पास चार। जब तीन सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे पास बनेंगे दो गुना दो, हमारे पास बनेंगे आठ घटाएं बनेंगी। तो तीन सिक्के उछालना, जब भी तीन सिक्के उछालते हैं तो हमारे पास इस तरह से घटनाएं आती हैं, या तो तीनों पर एच आएगा या दो पर एच और एक पर टी। ये टी तीनों पोजीशंस पर आएगा, पहले थर्ड पोजीशन पे था, अभी सेकंड पे आ गया, फिर फर्स्ट पे आ गया। इसके बाद एक एच होगा और दो टी होंगे, ये एच तीनों स्थानों पर जाएगा, स्थान पे था फिर द्वितीय पे, फिर तीसरे स्थान पर जाएगा, इसके बाद आएगा तीनों पर टे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो घटनाएं होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी आठ। अब हम इसको आगे करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक चित आने की प्रायिकता निकालेंगे। एक चित आने के हमारे पास तीन ही आउटकम है, एच टी 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 एस टी 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 एच। तो हमारे पास आ गया एस टी 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 एस टी 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 एच। तो हमारे पास अनुकूल घटनाएं की तीन, प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी तीन बटे आर। अब हम निकालेंगे दो चित आने की प्रायिकता। जैसे हमने एक चित आने की प्रायिकता निकाली थी, ऐसे ही हम निकालेंगे दो चित का आर। दो चित के आने में देखो क्या होगा, हमारे पास दो चित में क्या होगा, कौन कौन से केस आएंगे जिनमें दो दो चित है, तो ऐसे तीन केस बनेंगे एच एस टी एच डी एच टी एच एच। तो प्रायिकता इसकी भी हमारे पास आएगी तीन बटे आठ। अब हम निकालेंगे तीन चित आना, तीन चित आना, तीन चित आने का मतलब है तीनों सिक्कों पर चित आएगा, तीनों सिक्कों पर चित आने का मतलब है एच एच एच, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बटे आठ। इसके बाद हम निकालते हैं किसी पासे पर चित नहीं आना, किसी सिक्के पर चित न आना, किसी सिक्के पर चित न आना। तो हमारे पास तीनों पर टेल आएगा, तीनों पर टेल आएगा, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी एक बटे आठे आठ। इसके बाद हम आगे करेंगे, जब हम कहते हैं कम से कम एक चित आना, कम से कम दो चित आना, अधिक से अधिक एक चित आना, अधिक से अधिक दो चित आना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कम से कम एक चित आना। कम से कम एक चित आने का मतलब है एक चित तो आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। इससे ज्यादा कितने, दो या तीन, क्योंकि हमने तीन बार सिक्के उछाले हैं या तीन सिक्कों को एक साथ उछाला है। तो कम से कम एक चित आने का मतलब है या तो एक चित आएगा या फिर दो चित आएंगे। दो चित के एवन है, तीन केस है एच एस टी एस टी एच टी एच एच, या फिर तीनों चित आएंगे एच एच एच। तो हमारे पास इसके केस हो जाएंगे सात, और प्रायिकता इसकी हो जाएगी सात बटे आठ। इसके बाद हम निकालेंगे, जैसे कम से कम एक चित आया ऐसे ही हम निकालेंगे कम से कम दो चित आना, कम से कम दो चित आना, कम से कम दो चित आने के अंदर देखो क्या होगा, या तो दो चित आएंगे या दो से ज्यादा। दो से ज्यादा का मतलब है हमारे पास तीन चित आएंगे। तो कम से कम दो चित में होगा एस टी टी एच एस टी सॉरी एस टी एच टी एच एच और तीन चित एच एच एच। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी या आ जाएगी तीन बटे आठ। अब हम निकालेंगे अधिक से अधिक एक चित आना,
अधिक से अधिक एक चित आना, अधिक से अधिक एक चित आने का मतलब है कि एक चित आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक चित आएगा, और उससे कम भी होता है, हाँ जीरो चित होते हैं उससे कम। तो अधिक से अधिक एक चित में क्या होगा, या तो एक चित आएगा या जीरो चित आएगा। एक चित के तो ये तीन केस है, एस टी टी, टी एस टी, टी टी एच, और जीरो केस का ये रहा टी टी टी। तो हमारे पास अनुकूल घटनाएं हो जाएगी चार, और प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी चार बटे आठ। इसी तरह से हम निकालेंगे अधिक से अधिक दो चित आना। अधिक से अधिक दो चित आने का मतलब है कि दो चित आएंगे और दो से कम कितने होते हैं, एक, जीरो भी होगा इसमें, दो, एक और जीरो। तो हम दो के दो चित वाले केस लिखेंगे, एक चित वाले लिखेंगे और जीरो चित वाले लिखेंगे। एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच, एस टी टी, टी एस टी, टी टी एच और टी टी टी। तो हमारे पास सात केस हो जाएंगे, तो इसके जो प्रायिकता आ जाएगी या आ जाएगी सात बटे आठ। एक और क्वेश्चन भी बनता है कि चित और पट एकांत क्रम में आना, चित और पट एकांतर क्रम में आना। एकांतर क्रम में आने का मतलब है कि दो चित के मध्य में एक टेल होगा और दो टेल के मध्य में एक हेड होगा, मतलब एस टी एच और टी एच टी। इसकी जो प्रायिकता आ जाएगी या देखिए दो बटे आठ, मतलब एक बटे चार। तो ये हमारे पास था तीन चित के क्वेश्चन। इसी तरह से आपने होमवर्क के लिए करना है, जहां जहां मैंने चित लिखा है वहां वहां आप पट के लिए करोगे, एक पट आना, दो पट आना, तीन पट आना, किसी सिक्के पर पट में आना, कम से कम एक पट आना। इस स्टेप से यहां तक सारे पार्ट्स खुद करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। इंपॉर्टेंट है दो सिक्के, तीन सिक्के प्रिपेयर करना है इसको।